जो हम सबको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है, वो आखिरी पल जब टॉप सदस्यों को घर से निकलना पड़ता है अगले सीजन तक घर को सुनसान करके। आइए मैं आपको इस घर के आखिरी पल दिखा देता हूं। टाइम ना मिले अच्छा है। भैया तुम लोग हो, तुम्हारी उम्र है, मेरी निकल गई है, मुझे चाहिए टाइम। हाँ तू है, मुझे मालूम है, वही तो टेंशन है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप तीनों बाहर गार्डन में आ जाएं। बिग बॉस लव यू, बिग बॉस लव यू। ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू मिस यू सो मच बिग बॉस। लेट्स डू दिस। बिग बॉस, ओह माय गॉड, बिग बॉस, first time. Oh my god. Oh shit. Oh god. Oh, you look inside. Lights off ho rahi hai. Lights off ho rahi hai. Oh god. Oh god. Thank you. 17 हफ्तों के बाद आखिर वो घड़ी आ गई है जब दिल की धड़कनें सबसे तेज हो जाती हैं। Goosebumps. घर में बिताए जाने वाले चंद आखिरी पल और दर्शकों के फैसले को जानने की उत्सुकता अपने चरम पर, और इसका अनुभव कर रहे हैं घर में मौजूद इस सीजन के आखिरी तीन सदस्य, यानी इस सीजन के टॉप थ्री फाइनलिस्ट, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल। yes! आप तीनों पूरे सीजन भर एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े रहे, फिर चाहे वो तेजस्वी और प्रतीक की आपसी तकरार हो, तेजस्वी और करण का आपसी प्यार हो, या फिर प्रतीक और करण की राइवलरी हो। जहां तेजस्वी और प्रतीक बड़ी बेबाकी के साथ ऊंची आवाजों में घर के हर एक मुद्दे में दखल देते नजर आए, वहीं करण सोच समझकर बड़ी सहजता के साथ अपनी बात रखते नजर आए। तेजस्वी और करण भले ही एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बंध गए, लेकिन फिर भी शो की ट्रॉफी से इनकी नजर नहीं भटकी। आप दोनों की यह बात हमें कई बार देखने को मिली जब आप दोनों जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आए। जहां एक तरफ तेजस्वी और करण का प्यार भरा रिश्ता रहा, वहीं प्रतीक और करण के बीच हमेशा एक जबरदस्त राइवलरी का। कुछ सालों पहले किसी दूसरे शो पर करण को अपना गुरु मानने वाले शिष्य प्रतीक का कद इतना बढ़ गया कि ना सिर्फ पूरे सीजन इन्होंने गुरु को कदम कदम पर टक्कर दी, बल्कि आज भी सीजन के इन आखिरी पलों में वो ट्रॉफी हासिल करने की होड़ में उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। शो में आपकी राइवलरी तो साफ साफ नजर आई, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरे के लिए इज्जत भी। जहां करण को करण भाई कहने वाले प्रतीक ने अक्सर कहा कि वो सबसे ज्यादा इज्जत उन्हीं की करते हैं, वहीं करण ने भी कहा दैट ही इज वेरी प्राउड ऑफ प्रतीक। अब वक्त है चंद कदमों का फासला तय करके इस घर के बाहर कदम रखने का, दर्शकों का फैसला जानने का और अपने प्रशंसकों का बेशुमार प्यार बटोरने का। लेकिन उससे पहले ट्रॉफी जीतने की इस रेस में सबको पीछे छोड़कर आगे जाने की जिद में लगे रहने वाले आप तीनों सदस्यों को एक आखिरी काम एक साथ करना होगा। बिग बॉस एक आखिरी बार चाहते हैं कि आप तीनों एक साथ घर की बत्तियां बुझाकर मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। लव यू बिग बॉस, आई लव यू बिग बॉस बेबी। आपकी आवाज बहुत 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 मिस करेंगे, मिस करेंगे, और आपने आपकी आवाज सुन के बहुत बार हिम्मत जुटाई है हमने, और बहुत बहुत थैंक यू बिग बॉस हर कदम पे हमारे साथ रहने के लिए। बिग बॉस बेबी,
चलो तीनों ऐसे लाइन में हाथ रखते हैं ऐसे हाँ ऐसे थ्री टू वन गो सॉरी सब बंद हो गया यार हमारा घर हमारा घर एक बार एक बार अरे खुल गया गाइस कितनी फटती थी ना यहाँ पे करती थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बोलूंगा बट आई मिस यू आई मिस यू सो मच मिस एवरीवन मिस दिस हाउस ओह माय गॉड आई एम गोना मिस दिस हाउस चलो बच्चों लेट्स गो बेबी ध्यान से अंधेरा है ध्यान से ओह शिट तो घर से निकल के कुछ दूर चल के आ गए हैं आपका फाइनल फैसला सुनने और कबूल करने के लिए हमारे टॉप थ्री सदस्य यानी के करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश एंड प्रतीक सहजपाल बड़ी देर कर दी आप लोगों ने यहाँ पर आने में लेकिन अच्छा है ये देरी सबसे बेस्ट है तो घर के अंदर 121 दिन गुजारने के बाद यहाँ आए हैं आप तीनों तो ये टेंशन लेने से पहले आप लोगों को कुछ बोलना है बेशक बस इतना बोलूँगा कि बहुत मेहनत करी है दिन रात रोज़ टूटे हैं रोज़ अपने आप को समेटा है रोज़ बिखरे हैं रोज़ फिर भी खड़े हुए हैं एंड यहाँ पर खड़े हैं अब आगे जो भी जनता का फैसला है सर आंखों पर सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हर वीकेंड के बाद में आपने मुझे बर्दाश्त किया मेरी गलतियाँ दिखाई बस और फिनाले की यही बात अच्छी है कि अब आपको बर्दाश्त नहीं करना है दुनिया करेगी ये करेगी यू कांट से द सेम फॉर करण बट थैंक यू सो मच सर यू आर वेलकम करण फॉर एवरी टाइम जब आपने गाइड किया गलतियाँ बताई और सीखने को मिला इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन चार महीनों में मुझे इतना कुछ करने को मिलेगा सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त बनेंगे मेरी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड बनेगी थोड़ा नागिन टाइप की है बट चला लूँगा काम मैंने जितने इन चार महीनों में एक्सपीरियंसेस किए हैं हम लड़े हैं हम उदास हुए हैं हम रोए हैं हम हंसे हैं हमने बहुत कुछ कमाया है और जो मैं इन चार महीनों में इस घर से कमा के यहाँ से बाहर निकलूँगा आई थिंक वो मेरे आगे की ज़िंदगी की वो पूरी 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 ज़िंदगी उससे सेट हो जाएगी और इट्स समथिंग दैट आई विल टेक अवे एंड आई विल कीप इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई एम नॉट द सेम मैन दैट एंटर द हाउस टुडे आई एम अ कम्प्लीटली मैं एक बिल्कुल ही अलग आदमी हूँ और I'll always be grateful to this house and to you, sir. Thank you. तो अब हाथ पकड़ने का वक्त आया उसका जो इस रेस से आउट होगा हाथ चुपा रहा हूँ भाई मैं अपने हाथ चुपा रहा हूँ उसका हाथ पकड़ के मैं उसको एक वॉक पे ले जाऊंगा वहां तक के Are you guys ready? लेकिन उसके पहले एक बात मैं आपको दिल से बताऊं कि यहाँ तक के आना it is a great achievement. Great achievement. तो now आप तीनों तैयार हैं जी भाई Okay. You fought well.
So, अब ये चलेगा अब कुछ देर तक के. आ जाओ मैडम. अरे रुको 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 रुको. ओके ओके कम ऑन. अबे तू रोता क्यों इतना? सो नाउ वी वांट टू सी, जानना है कि कौन है बिग बॉस 15 के विनर. यस सर. आई वांट टू गो फॉर अनदर वॉक. अरे सबने अपने मम्मी पापा से मिल ली, ये भी मिले ना. हाँ आइए आप आइए. करण कम. वोटों के कमी के कारण आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठेंगे. करण वेरी वेल प्लेड. तो हमारे टॉप टू हैं तेजस्वी और प्रतीक. तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को विनर का नाम बताऊं, करण कुंद्रा, आई एम श्योर के आधा हिंदुस्तान इस वक्त शॉक्ड होगा कि करण कुंद्रा कैसे टॉप टू में नहीं पहुंचे. क्या कहना चाहेंगे? सर थोड़ा सा बुरा मुझे भी लगा. बट मे द बेस्ट. थोड़ा सा बुरा. जी सर काफ़ी बुरा लगा. बट आई गेस मे द बेस्ट पर्सन विन. सो उनकी मेहनत मेरे से ज़्यादा थी. तो एक तरफ गर्लफ्रेंड है और एक तरफ वो जो आपको मेंटोर कहता हुआ आया है. जी सर. आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? सर टू बी ऑनेस्ट I would really want कि तेजस्वी जीते. बट प्रतीक also has done really really, उसने भी बहुत अच्छा किया है. तो इस वक्त ये दोनों बहुत strong हैं. बट ये सुनने में आता है सबसे कि he was eating, breathing, living Big Boss. Yes sir, he was. ये घर के बाहर भी Big Boss खेलेंगे. निशांत आपकी gut feeling क्या कहती है? सर प्रतीक. प्रतीक. Yes sir. रश्मि. सब मेरे हिसाब से प्रतीक. आपके हिसाब से कौन? तेजा सर. तेजा आपके हिसाब से? प्रतीक. प्रतीक आपके हिसाब से? आई थिंक प्रतीक. प्रतीक आपके हिसाब से? तेजा. तेजा. राखी. ईशान बोलो बोलो. ईशान. सर तेजा. तेजा आप? तेजा को नागिन मिल गया, प्रतीक को ट्रॉफी मिलना चाहिए. राखी. मैं चाहती हूँ प्रतीक जीते बट तेजा जीतेगी सर. रितेश. प्रतीक. राकेश. सर आई थिंक दोनों केपेबल है. आई थिंक 50-50 चांसेस मुझे भी लग रहा है अभी दोनों के. पर मुझे लग रहा है कि प्रतीक शायद. प्रतीक. यस. अच्छा. बिकॉज़ ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम ओटीटी यार. वो कब से माइक छीना उसके हाथ से. क्यों? हां क्योंकि नो डिप्लोमेसी बेबी. प्रतीक. हां नो तेजा. मैं चाहती हूँ कि प्रतीक जीते. ओके. डोनाल्ड.
आई थिंक प्रतीक प्रतीक वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक. ओके चलिए अब देखते हैं कि कौन जीतता है. काफी पॉपुलर हुआ है आप घर के अंदर. आओ तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात. तो वोटों के गिनती के आधार पर जिनको आप लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं क्या वो ये हैं? आइए पीछे और क्या देख ले भाई कैमरा के अंदर. ये हैं और जिनके हाथ लगने वाली है ये विनर की ट्रॉफी. आ जाओ ये हाथ लगा लो क्योंकि एक ही के हाथ आने वाली है. छोड़ो 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 ये उड़ जाएगा नहीं तो. और जिसको मिलेगा विनर का टाइटल एंड कैश प्राइज ऑफ रुपीज 40 लाख वो हैं. सो द विनर ऑफ दिस सीजन बिग बॉस इज यार जर खुजा दे मैंने यहां पे बगल में कुछ नहीं हुई. So the winner of this season is Pratik. Kya lagta hai bhai tujhe? Kya hua? I'm asking him kya lag raha hai aapko? Okay, serious. Let's go for this. And the winner of Big Boss this season 15 is. क्या लग रहा है आपको? नाम क्या आपका? तेजस्वी प्रकाश. तेजस्वी. आपका नाम क्या? प्रतीक. प्रतीक सहजपाल. जोर से. प्रतीक सहजपाल. प्रतीक. The winner is. जा ही नहीं रहा हाथ यार ये. Congratulations, the winner is इन दोनों में से कोई एक और उनका नाम है तेजस्वी प्रकाश. Well played. Congratulations, congratulations. Season की विनर है तेजस्वी प्रकाश. ट्रॉफी ये लो भाई. ये है आपकी बिग बॉस की ट्रॉफी. बोलिए 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 बोलिए. ये पकड़ लेंगे ट्रॉफी जब तक के अनाउंस करते हैं. ओह माय गॉड आई कांट बिलीव. आई कांट बिलीव इट. बहुत कुछ कहना है. सबसे पहले थैंक यू कलर्स एंडमॉल वाईकॉम. थैंक यू टू ऑल द फैंस ऑडियंस हु हैव वोटेड मी वोटेड फॉर मी और जिन्होंने सोचा मैं डिजर्व करती हूँ यहाँ तक पहुँचना ही नहीं शो को जीतना भी. आई होप आई हैव मेड यू प्राउड. आई वुड लाइक टू थैंक सारे कंटेस्टेंट्स वीवी 15 के. थैंक यू तालिया. नहीं तालिया. संग संग नचले हम संग नचले नो पार्टी. आई वुड थैंक माय पेरेंट्स मम्मी पापा. थैंक यू प्रा. थैंक यू एंड सबसे बड़ा थैंक यू सनी. आई लव यू. हो गया मैडम. ये पूरी जर्नी कुछ नहीं होती तेरे बिना. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू बेबी. आई लव यू. दिस इज आवर्स. मैं बोलूंगा कि दिस इज आवर्स. थैंक यू सो मच. दिस इज आवर्स. ओके ओके बाबा. मैं बस इतना बोलूंगा थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने मुझे दुआ दी है एंड थैंक्स टू यू भाई. थैंक्स टू ऑल द मेकर्स प्रोड्यूसर्स एवरीवन. मेरी माँ मेरे फेलो कंटेस्टेंट्स जो लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं जो घर से भी देख रहे हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जीत गया हूँ. मैं यहाँ तक आ गया हूँ. मैं आपके साथ खड़ा हूँ भाई. मैं जीत गया. चलो अच्छा 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 जीत गया. अच्छा जीत गया. पकड़ो हाँ ये पकड़ो. ऑलराइट या तो इस सीजन के लिए इतना ही. 4 महीने में आपसे जो सपोर्ट मिला है जो एंथुसियाज्म मिला है जो प्यार मिला है
उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे बिग बॉस मिलेंगे 7-8 महीने में, विथ और विदाउट मी, ये तो वक्त ही बताएगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता।